हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो 10 जो रिलीज़ होने वाला है 15th of September 2021 इंडिया में। तो दोस्तों, मेरे पास है हीरो 9 और अभी जस्ट हीरो 10 रिलीज़ होने वाली है। तो हीरो 10 जो रिलीज़ होगी इंडिया में, ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस 54,000 तक हो सकती है। और जो हमारा हीरो 9 है वो आपको 40,000 तक मिल जाएगी अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर, अलग अलग शॉपिंग सेंटर्स में जाकर। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इन डिटेल, इन शॉर्ट में डिफरेंसेस बिटवीन हीरो 9 एंड हीरो 10 और क्या हीरो 10 वर्थ परचेसिंग होगी एट 54K। तो दोस्तों, अगर आप हीरो 9 और हीरो 10 के बीच में कन्फ्यूज है कि आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल इन डिटेल में और बहुत ही शॉर्ट में मैं डिफरेंसेस बताने वाला हूँ और अंत में आपको मैं बताऊंगा भी कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा खरीदना। तो चलिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक झलक इनके डिफरेंसेस पर। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो हम डिज़ाइन को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, डिज़ाइन के बारे में अगर आप देखें तो हीरो 10 जो है आपको 153 ग्राम्स में मिलती है और हीरो 9 आपको 158 ग्राम्स में, यानी कि 5 ग्राम्स का डिफरेंस है जो उतना कुछ खास और उतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। और अगर हम वाटरप्रूफ के बारे में बात करें तो दोनों ही 10 मीटर तक बिल्कुल वाटरप्रूफ है। और अगर हम रिमूवेबल लेंस कवर के बारे में बात करें तो दोनों में रिमूवेबल लेंस कवर्स अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, हीरो 10 में एक एडिशनल चीज़ है जो कि है हाइड्रोफोबिक एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस लेंस कवर। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो फिर जो भी वाटर इसके लेंसेज में रखेंगे वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू एंड क्लियर इमेज मिलने वाली है। दोस्तों, आ जाता है दूसरे डिफरेंसेस पर। हीरो 10 पर अभी आप 5.3K में 60fps और 4K 120fps एंड 2.7K 240fps में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि हीरो 9 में आप 5.3 में 30fps जहाँ पे स्लोमो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 4K में 60fps, 2.7K में 120fps। तो फिर दोस्तों, हीरो 10 का जो ये फ्रेम रेट्स बढ़ाने का जो आइडिया है, इससे आप जो है बेहतरीन स्लो मोस जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अभी आप हीरो 10 से 23 मेगापिक्सल्स में फोटोज क्लिक कर सकते हैं और अप टू 19.6 मेगापिक्सल फ्रेम जो है आप ग्रैब कर सकते हो, जबकि हीरो 9 में ये सिर्फ 20 मेगापिक्सल फोटोज था और अप टू 14.7 मेगापिक्सल फ्रेम ग्रैब्स था। दोस्तों, आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन फीचर्स एंड बैटरी के बारे में। दोस्तों, हीरो 10 में जो है आपको हाइपर स्मूथ 4.0 देखने को मिल जाती है, जबकि हीरो 9 में हाइपर स्मूथ 3.0 था। 4.0 होने के वजह से दोस्तों, आप अभी हायर रेजोल्यूशंस एट हायर फ्रेम रेट्स में जो है बहुत ही आसानी से स्मूथली जो है आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, दोनों में ही 720mAh की बैटरी दी गई है। और दोस्तों, अगर हम होराइजन लेवलिंग के बारे में बात करें तो हीरो 9 में होराइजन लेवल लिमिट जो था वो सिर्फ 27 डिग्रीज थे, अभी इन्होंने इसको इंक्रीज करके टिल्ट लिमिट 45 डिग्रीज कर दिया है हीरो 10 में। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर और सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा है वो है परफॉर्मेंस एंड फीचर, जिसका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है GP2 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years। मतलब कि हीरो 6 से हीरो 9 तक इन्होंने GP1 यूज़ किया था प्रोसेसर, बट अब इन्होंने इसको अपग्रेड करके GP2 यूज़ किया है, जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देगा जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे हायर रेजोल्यूशन पे, हायर फ्रेम रेट्स पे आपके वीडियोस, तब आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपको इनके डिफरेंसेस के बारे में पता चल चुका होगा कि हीरो 9 और हीरो 10 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हीरो 10 जो है अभी भी रिलीज़ होने वाली, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन 54,000 काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप हीरो 9 लेने जाएंगे तो आपको 40 के अंदर जो है मिल जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हीरो 9 और हीरो 10 के बीच में जो है बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है। जैसे हीरो 9 अगर 5K में शूट कर रहा है तो हीरो 10 ऐसा नहीं कि 8K में शूट कर रहा है। अगर बैटरी लाइफ हीरो 9 में अगर 2 hours दे रहा है तो हीरो 10 में भी 2 hours ही मिल रहा है। स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही उन्होंने किसी तरीके का अलग लेंसेस यूज़ किया हुआ है या ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से मैं सोचूं कि हीरो 10 काफ़ी ज़्यादा बेटर है हीरो 9 से। अगर देखिए, आप बिगिनर लेवल पर है तो आप डेफिनेटली हीरो 9 के लिए जा सकते हैं। हीरो 9 बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, मैं यूज़ कर रहा हूँ हीरो 9। अगर आपके पास अच्छा सा बजट है तो आप हीरो 10 के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपका बजट सिर्फ 40 के नीचे ही है तो आप हीरो 9 विदाउट एनी डाउट लीजिए, क्योंकि हीरो 9 भी आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। सिंस मैं भी हीरो 9 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है हीरो 9 से रिलेटेड या आपको कुछ भी जानना है एडिशनली, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन पर मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जो 5K सिनेमैटिक जो है मैंने हीरो 9 से लिया हुआ है, 5K में मैंने शूट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और आप उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हीरो 9 लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर और यस, कोरोना से बच के रहिए।